भवानीगढ़ में घर के बाहर खड़ी कार को लगी आग। भवानीगढ़ अनाज मंडी में एक आरती ने अपना काम निपटाकर जब घर के बाहर कार खड़ी की तो सुबह 4 बजे के करीब उसमें से आग की लपटें निकलनी शुरू हो गई। पड़ोसियों ने जब आग देखी तो उन्होंने कार के मालिक को उठाया और सभी ने इकट्ठे होकर आग को बुझाने की कोशिश की, लेकिन जब तक आग पूरी तरह से जलकर राख हो चुकी थी। कार के मालिक देवराज शर्मा ने बताया कि उनका बेटा अपना काम निपटाकर जब घर लौटा तो उसने अपनी गाड़ी घर के बाहर रोजाना की तरह खड़ी कर दी तो किसी शरारती तत्व ने कार को आग लगा दी। उन्होंने बताया कि कार के पास ही एक खाली बोतल पड़ी थी जिसमें थोड़ा सा पेट्रोल भी था। आस पड़ोस के सीसीटीवी कैमरे में बंद होने के कारण आरोपी की पहचान नहीं हो पाई। घटनास्थल का जायजा लेने पहुंचे पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। वहीं थाना प्रभारी चरणजीव लांबा ने कहा कि हम इस घटना की बड़ी बारीकी से जांच कर रहे हैं, अगर किसी शरारती तत्व का काम हुआ तो हम उसे जल्द ही गिरफ्तार कर लेंगे। गौरतलब है कि मंडी का ये बहुत ही पास इलाका है और यहां आरतियों की तकरीबन सभी की कारें बाहर ही खड़ी होती हैं। इस घटना के बाद लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। भवानीगढ़ से सुखचैन सोनी, आजाद टीवी न्यूज। ਸਾਢੇ ਕੁ 3 ਵਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਬਾਹਰ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਆਂਢੀ ਆਏ, ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਉਠਾ ਲਿਆ, ਬੜਾ ਬੜਾ ਗੇਟ ਖੋਲਿਆ, ਪਰ ਐਂ ਵੀ ਟੁੱਟੀ ਕੁਦਰਤੀ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਫਟਾਫਟ ਪਾਣੀ ਪਾਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਗੁਆਂਢੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਲੱਗ ਗਏ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਫੋਨ ਕਰਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਆਈ ਜੀ 1/2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਗਾਏ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਪੈਂਦੀ 2 ਲੀਟਰ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ, ਉਹ ਖਾਲੀ, ਉਹ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੱਕ ਜਾਪਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾਈ ਹੈ। हाँ जी, एक साढ़े को इतला दिती है, कोई हैप्पी शर्मा, सन ऑफ देवराज शर्मा ने, कि उसकी शेवरले बीट कार जी है घर के बाहर अक्सर वो पार्क करता है, तो उन्होंने रात या जिहड़ा अर्ली मॉर्निंग किसी तरह उन्होंने अग लग गई। अगले पासे जिहड़ा इंजन साइड हैगी सारी मच गई है, तो वो बारे असी पड़ताल कर रहे हैं, वह असी बयान लिखा और कारणों की जांच कर रहे हैं। और नहीं, यह जी कई गल्लां सामने आ रही, असं हर पक्ष तो जांच